आज हम एक बहुत ही प्यारे बहुत ही स्पेशल डिज़ाइनर फंदे बनाना सीखेंगे और बहुत ही आसानी से। तो सबसे पहले हम फंदे डालना सीख लेते हैं और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि आपको इन फंदों को कहाँ अप्लाई करना है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। देखिए, दो कंट्रास्ट कलर के ऊन जिससे भी आपको स्वेटर बनाना है, और अगर आपको एक ही कलर का बनाना है तो उसमें उसका कोई भी कंट्रास्ट मैचिंग आप ले लीजिए। देखिए, ये दो कलर का ऊन मैंने लिया है, रेड और ऑफ वाइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए कोई भी एक ऊन को हमें ऐसे डबल करना है, जितना लंबा आपको चाहिए, जितना ऐसा लगता है आपको जितने में फंदे पड़ जाएंगे उतना लंबा आप ले लीजिए, डबल कर लीजिए। मान लीजिए आपको 60 फंदे डालना है तो एक कलर के ऊन से आपको 30 फंदे डालने हैं, तो मान लेते हैं कि इतने में 30 हो जाएंगे, तो इसे हम ट्रिपल कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमने ट्रिपल कर लिया, इसे हमने यहाँ रख लिया। देखिए थोड़ा सा, ये देखिए ये हमने कर लिया। अब हम सेम इसी साइज़ का जो कंट्रास्ट वाला ऊन है उसे भी सेम इसी साइज़ का ऐसे ट्रिपल कर लेंगे। ये देखिए, ये देखिए ये हमने ट्रिपल कर लिया। अब जिस तरफ हमारा दूसरा वाला ऊन है, देखिए ये एंड ख़त्म हो गया, ये जो है फंदा, इसी जो धागा है बड़ा वाला, इसमें हमें फंदा लगाना है। तो इस तरह से रखेंगे, देखिए दोनों का इस तरह रखना है, इसे इसके ऊपर रखना है, और देखिए ये जो लूप है इन लूप को इस तरह से मिला देना है। ये देखिए इस तरह से आपको फंदे की जो स्टार्टिंग है वो इस तरह से करनी है। अपनी सिलाई लीजिए, देखिए ये जो ऊन है ये आगे की तरफ हो, इसके पीछे से आप सिलाई में ऐसे फंदा लगाइए इस तरह से। ये देखिए इसे हमने इस तरह से कर लिया। अब एक कलर, दोनों कलर को अलग रखना है, तो चलिए हम ऑफ वाइट लेते हैं। पहले ऐसे टाइट लेंगे, देखिए इस तरह से फंदे को ऐसे पकड़ेंगे, देखिए इस तरह से इसे लगाएंगे, और यहाँ पे रेड और ऑफ वाइट को एक दूसरे में ट्विस्ट कराएंगे। रेड को पीछे रखेंगे और इस तरह से, ये देखिए इसे धीरे से खींच लेंगे। फिर ये जो रेड वाला है इसे थोड़ा टाइट करेंगे, रेड वाले को ऐसे डालेंगे, ये दोनों ऊन फिर एक दूसरे के ऑफ वाइट को अंदर कर लेंगे इस तरह से, ये देखिए, और फिर रेड वाले को इस पर गिरा देंगे। फिर रेड वाले को इधर रखेंगे और ये कलर देखिए इस तरह से, इस तरह से, फिर ऐसे, फिर रेड वाला लेंगे, रेड वाले से इस तरह से करके ये ऊन फिर इस तरह से कर लेंगे, फिर इसे इधर करेंगे इस तरह से, देखिए 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 हमारे फंदे पड़ना शुरू हो गए हैं। फिर रेड से बना है तो रेड को ऐसे अंदर कर लेंगे, ये दूसरा वाला कर लेंगे इस तरह से। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जिस कलर के फंदे हमें लगाने हैं उसी कलर के ऊन को सिलाई में रखना है। ये देखिए, ऐसा नहीं कि आपने ये ऑफ वाइट लगाया तो हम रेड से फंदा लगा लेंगे, नहीं, अब इसे फिर आगे करेंगे इस तरह से। देखिए, और फिर ये दोनों ऊन को आपको ट्विस्ट कराना नहीं भूलना है, ट्विस्ट कराएंगे, देखिए इसे हम आगे लगाएंगे और इसे पीछे वाले को लेके आएंगे, ऐसे फंदा लगाएंगे, इसमें भी जिससे हमने लगा लिया उसे पीछे करेंगे और इसे नीचे से ऐसे ला के, देखिए फिर अब आ गया होगा आपको, तो मैं इसे थोड़ा जल्दी जल्दी करके आपको बता देती हूँ। देखिए इस तरह से हमारे फंदे पड़ेंगे, ये देखिए इस तरह से ये हमारे फंदे दिखाई देंगे, देखा आपने। तो ये हमारी स्टार्टिंग है, इस तरह से आपको फंदे डालने हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जहाँ आपका थोड़ा सा ढीला होगा वो यहाँ वहाँ पे इस तरह से होगा, और जब आप एक बराबर बनाएंगे देखिए इस तरह से खूबसूरत से फंदे बनेंगे। तो इस तरह से फंदे डालने के बाद फर्स्ट रो आपको फिनिशिंग करनी है। देखिए फिनिशिंग कैसे करनी है, देखिए ये हम उल्टी बुनाई करेंगे। देखिए फंदे डालने के बाद इस तरह से आपका ऊन ऐंठ जाएगा, तो इसकी टेंशन ना लीजिए क्योंकि जब फर्स्ट रो निकालेंगे तो ये ऊन सही हो जाएगा। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से, पहली बार इसे थोड़ा सीधा करना पड़ेगा,
इसे इस तरह रखेंगे, ये देखिए अब इसे उल्टा बुनेंगे इस तरह से, फिर रेड को रेड से, तो ऑफ वाइट को नीचे कर लेंगे, फिर रेड को रेड से, फिर रेड को नीचे ऑफ वाइट से, इसे देखिए इस तरह से, देखिए जब बुनने के बाद धागे को नीचे कर लेंगे, पीछे से रेड उठाएंगे, फिर रेड को नीचे ऑफ वाइट को ऊपर, ये देखिए इस तरह से, इसे नीचे इसे ऊपर, देखिए इसे नीचे इसे ऊपर, इस तरह से हम, ये देखिए इस तरह से इसका लुक आएगा। तो ये रो इसी तरह से कंप्लीट करके फिर मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखिए ये हमारे सारे फंदे हो गए। ये जो हमने स्टार्टिंग में लूप को सिलाई में इंसर्ट किया था, ये देखिए ये लूप वाला है, तो ये सारे फंदे, ये देखिए इसमें चार हैं, इन चारों को हमको एक साथ जो लास्ट नेक्स्ट हमारा कलर है उससे बुन लेना है, जो लास्ट वाला फंदा हमारा है इसमें बनेगा, क्योंकि वो हमने लूप बनाए थे, तो लूप या तो चाहें तो आप इसमें मर्ज कर दीजिए, नहीं तो अलग से बनाना हो तो इसमें बना लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए इसका कितना प्यारा लुक है और कितनी खूबसूरत सी डिज़ाइन है, और इसके ऊपर आप कार्डिगन की डिज़ाइन डालिए, बॉर्डर बनाइए, बहुत सुंदर आएगा। और ये रॉन्ग साइड की तरफ आ गया है, देखिए रॉन्ग साइड भी आप अगर शॉल वगैरह बना रहे हो तो उसमें भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रॉन्ग साइड भी इसकी पाइपिंग की तरह है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है, आप पास से देख लीजिए। अब पीछे से आप चाहे एक कलर से बनाइए, दो कलर से, किसी भी कलर से बॉर्डर बनाइए, बहुत सुंदर लुक आएगा इसका। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने इस बॉर्डर को बना लिया। और फ्रेंड्स इस जो फंदों, इन फंदों को आप लेडीज़ कार्डिगन या जैकेट में ही डालें, अगर आप बच्चों के पुलोवर वगैरह में डालना चाहती हैं तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पुलोवर की बॉर्डर अक्सर करके मुड़ जाती है और ये फंदे दिखते नहीं हैं, तो इन्हें आप ओपन वर्क वाले स्वेटर में ही डालें, इन फंदों को डालें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा पैटर्न कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।